नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। स्वामी आत्मानंद स्कूल का जीर्णोद्धार जारी रखने कलेक्टर से मिलने पहुंचे रामपुर विधायक ननकीराम कंवर और ग्रामीण। जिले के विकास खंड करतला में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर बढ़ती खींचतान के बीच रामपुर विधायक व पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने इसे दुर्भाग्यजनक बताया। जिस कार्य का उन्होंने शिलान्यास किया उसके विरोध में भाजपा के मंडल अध्यक्ष कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। श्री कंवर ने फिर दोहराया कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए हो रहा जीर्णोद्धार कार्य न रोका जाए। यहां स्कूल भवन को छोड़कर 1,55,00,000 के 11 अलग अलग तरह के कार्य स्वीकृत हुए हैं। भवन के लिए मात्र 12,00,000 रुपए स्वीकृत हुआ है, तो क्या 12,00,000 रुपए में स्वामी आत्मानंद स्कूल का नया भवन तैयार हो जाएगा? स्कूल एक ही है जिसमें अलग अलग तरह के कार्य होने हैं, लेकिन इन कार्यों को लेकर गलतफहमी पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लोग उनके विरुद्ध खड़े होकर शिकायत कर रहे हैं, तो यह उनका अपना अधिकार है, लेकिन वे ग्रामीणों के हित में खड़े हैं। कुछ नेता लोग जिनमें पूर्व जनपद करतला अध्यक्ष, भाजपा के मंडल अध्यक्ष व अन्य लोग राजनीति कर रहे हैं। 24 घंटा पहले सांसद प्रतिनिधि धनेश्वरी कंवर, भाजपा के नटवर शर्मा, आकाश सक्सेना, टिकेश्वर राठिया आदि की शिकायत पर कलेक्टर ने जीर्णोद्धार के 12 टुकड़ों में बटे कार्य की जांच के निर्देश जारी किए। इसके दूसरे ही दिन विधायक ननकीराम कंवर के साथ पहुंचे पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने जीर्णोद्धार कार्य नहीं रोकने कलेक्टर को आवेदन सौंपा। इन्होंने बताया कि जिला खनिज न्यास संस्थान मद से 1.55 लाख रुपए की राशि उन्नयन एवं जीर्णोद्धार हेतु 25 फरवरी 2021 को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। मेरा यहाँ मल्टीपर्पज कलेक्टर से मिलना था, ये तो करतला हाई स्कूल के संबंध में भी जो लोग आए हैं उसमें सेंक्शन हुआ है, दूसरे हाई स्कूल में बनना शुरू हो गया है। यहाँ अभी शिलान्यास किया था आठ दिन पहले और वो भी बनना शुरू हो गया, तो हमारे यहाँ कुछ नेता लोग जिसमें क्या बोलते हैं जनपद अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष वो भी आए थे, हमारे मंडल अध्यक्ष भी आए थे। वो क्या क्या आप लोगों को बता रहे थे वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार के पास में इतना है, इनके कहने से गलत काम नहीं होगा। ऐसा मेरा राजनीति नहीं कर रहे हैं ऐसा लगता है, है राजनीति वो क्या करेंगे। मंडल अध्यक्ष होकर के अगर कांग्रेस के साथ में जाते हैं तो ये दुर्भाग्य है ऐसे मंडल अध्यक्ष के रखने, और उसमें बीजेपी का विधायक शिलान्यास किया है या भूमि पूजन किया है उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने एक एक विषय पर वहाँ के इंजीनियर को पूछा उसने कि भाई ये भवन अगर बनेगा तो कितने में इतने में बना लोगे, क्या 12,00,000 का है तो मरम्मत ही होगा। दूसरा जितने भी वहाँ आइटम्स जोड़ा गया है 9 आइटम या 10 आइटम, नहीं नहीं वो तो बिल्डिंग मिला कर 11 है भैया, तो जितना 10 आइटम और जोड़ा गया है वो उस भवन के साथ में अतिरिक्त बनेगा, उसको ये लोग समझ गए 1,55,000, 1,55,00,000 का क्या बोलते हैं बिल्डिंग बहुत इनको खाने पीने को मिलेगी। अरे अलग अलग आइटम है, अलग अलग आइटम का क्या बोलते हैं ना उसमें किया गया है समझ में, और बिल्डिंग पर्पस के लिए सिर्फ 12,00,000 दिया गया है, तो 12,00,000 में कोई बिल्डिंग तो बनेगा नहीं इतना बड़ा, तो इनके समझ में नहीं आया। और मेरे ख्याल से जो भी आए थे वो बिल्कुल ऐसा लगता है कहीं ना कहीं स्वार्थ बसाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के हसदेव दर्री बराज पुल से नहीं गुजरेंगे भारी वाहन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। रायगढ़ चांपा अंबिकापुर कटघोरा की ओर से आने वाले भारी वाहनों के लिए रूट तय। सीएसईबी चौक से ध्यानचंद चौक तक बढ़ेगा यातायात का दबाव। कलेक्टर रानू साहू ने दर्री के हसदेव बराज पुल में 20 टन से अधिक वजन के खाली या लोडेड भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय नगर निगम आयुक्त, जिला परिवहन अधिकारी और डीएसपी यातायात की ओर से संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट और हसदेव बराज के ईई के
तकनीकी प्रतिवेदन पर लिया गया है। प्रतिबंध के बाद वाहनों की आवाजाही के लिए जिला प्रशासन की ओर से वैकल्पिक मार्ग तय किया गया है। रायगढ़ चांपा से आने वाले वाहन उर्गा रेलवे क्रॉसिंग बरबसपुर बाईपास से होकर रिजदी बालको रुमगड़ा से ध्यानचंद चौक होते हुए सीएसबी चौक से स्टेडियम तिराहा राताखार बाईपास मार्ग से सर्वमंगला ब्रिज कुसमुंडा की ओर जाएंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में एक मालवाहक हाथ रिक्शा को एक बड़े वाहन के चालक ने लापरवाही पूर्वक अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में रिक्शा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा बड़ा हो सकता था, पर समय रहते यातायात पुलिस के जवानों की तत्परता के चलते केवल रिक्शे को ही नुकसान पहुंचा है। बड़ी घटना टल गई। पुलिस जवानों की मुस्तैदी से रिक्शा चालक की जान बच गई। अदर जगह में तो अलग है, यहाँ पुलिस चौकी है, फिर भी वो आदमी इसे चली था, हाँ पलटी होगी तो शादी वाले बना। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के सीएसबी चौकी पुलिस ने दो नाबालिगों के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है। पीड़ितों का आरोप है कि पंप हाउस क्षेत्र में कुछ सामान लेने दो नाबालिग गए हुए थे। डंडे से मारपीट की गई, जिससे दोनों नाबालिगों को गंभीर चोटें लगी हैं। मारपीट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग पुलिस से की है। इधर पुलिस का कहना है कि मारपीट का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। दोनों भतीजे कल पंप हाउस गए थे कुछ कलर वलर लेने, वहाँ हरीश नाम का लड़का है, गुंडा लिस्ट में नाम उसका। ये दोनों से पूछे कहाँ से आते हैं, इन्होंने बताया 15 ब्लॉक में किससे, बोलते असलम भाई के भाई, तब दोनों को मारा। क्या पुरानी दुश्मनी चलती आ रही है, किसी की वजह से दोनों बच्चे थे, नाबालिग थे दोनों, उनको कूड़ा और डंडे से मारे। जिस भी थाने में कल गया था, प्रभारी जी से भी मिला, उन्होंने बोला कड़ी कार्रवाई निर्देशन दिए, मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। वो अभी तक उसको थाने भी नहीं बुलाया गया, मैं बस सीएसबी अभी तक आ चुका हूँ, अभी तक कुछ कार्रवाई तो हुआ नहीं है। ये फिर भी पुलिस प्रशासन का कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और जिला बदर करना चाहिए ऐसे लोगों को। शराबी तत्वों के विरुद्ध ये है, एक हरीश राव करके है, वो बच्चों के साथ मारपीट कर दिया है, गंभीर चोटें तो आई नहीं है, अभी तत्कालिक तौर पर भी 151 किया जा रहा है उसका। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर, यहाँ कान के छिद्र को नायब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा मसाज, लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिम्पल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर, हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर, हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने सर्वमंगला रोड पटेल पारा कोरबा, इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा BMHI, मोबाइल नंबर 8837890 और 8305378777। रेडमून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज इंडिया एंड एब्रोड, क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star होटल फैसिलिटीज, गुड मेंबरशिप पैकेज, हनीमून पैकेज, हॉलिडे पैकेज इंडिया एंड इंटरनेशनल, वीजा सर्विसेज, पासपोर्ट सर्विसेज। कॉन्टेक्ट अस अनूप शुक्ला 9554967885। विजिट अवर ऑफिस, शॉप नंबर FF3 FF4, फर्स्ट फ्लोर, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। MXT is the new MPEG 4 box.
जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। अब ऐसे स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट, नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में। दर्रे जमनीपाली जेलगांव, CSB पावर सिटी पुष्पल्लव साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 7862225858। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15-25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में पावर हाउस रोड कोरबा। संपर्क करें 9098052888 7067299991 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। ₹1250 का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र ₹500 में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। बच्चों व शिक्षकों ने कबाड़ के इस्तेमाल से बनाए आकर्षक सामान, विकास खंड स्तरीय कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता खरमोरा में आयोजित किया गया। अपने घर व आसपास बेकार लगने वाली चीजों में कुछ बेहतर खोजने की परख हो तो वही चीजें काफी काम की बनाई जा सकती हैं। यही कौशल निखारने शिक्षा विभाग की ओर से स्कूली बच्चों एवं उनके शिक्षकों के लिए कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। कोरबा में ब्लॉक स्तरीय स्पर्धा रखी गई जिसमें विभिन्न स्कूल के बच्चों व उनके शिक्षकों ने अपने कौशल का प्रदर्शन कर आगे चरण में जगह बनाने जोर आजमाइश की। राज्य अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद रायपुर की मंशा अनुरूप विकासखंड स्तरीय कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता कोरबा शहर में आयोजित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी GP भारद्वाज के मार्गदर्शन व कोरबा DEO संजय अग्रवाल के सहयोग से यह स्पर्धा खरमोरा में रखी गई थी। BRC अनिल रात्रे ने बताया कि कोरबा विकास खंड के शहरी क्षेत्र के समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की ओर से विज्ञान मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। यह मॉडल हमारे आसपास के कबाड़ की वस्तुओं से शिक्षकों व बच्चों ने बनाए, इसलिए इसका नाम कबाड़ से जुगाड़ रखा गया है। विज्ञान एवं गणित विषयों के मॉडलों से बच्चों में अच्छी समझ व रुचि विकसित करना इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है। प्रशासन के निर्देशन अनुसार और आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशन में, DMC सर के मार्गदर्शन में
शहर के जितने भी स्कूल हैं उनके बच्चे को और टीचर को विज्ञान से संबंधित कबाड़ से जुगाड़ प्रदर्शनी के लिए यहाँ बुलाया गया है। ये विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता है, इसमें 15 स्कूल अभी भाग ले रहे हैं और 15 यहाँ इंस्टॉल लगा है, विभिन्न प्रकार के इंस्टॉल लगाए हैं जैसे आप लोग देख रहे हैं। ये कबाड़ का वस्तु है, मतलब फेंकाया हुआ वस्तु है, उससे विज्ञान को रिलेटेड करके एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं जिससे बच्चे को पढ़ने में बहुत आसानी होता है और बच्चे तुरंत समझ जाता है उस पार्ट को, उस चैप्टर को। ये शासन का महत्वपूर्ण योजना है, प्रतिवर्ष होता है, कोरोना काल में बंद होने कारण नहीं हो पाया था, लेकिन इस वर्ष ये शासन के निर्देशन अनुसार कार्यक्रम हो रहा है। और ये मैंने गुड़िया का चित्र बनाया है माचिस की तीलियों से। जब माचिस इधर उधर फेंका रहा था, उसको प्रोजेक्ट बनाने के लिए मेरे को दिमाग में आया, उसको मैं गुड़िया बनाया, इसके लिए फोन लगा और माचिस की तीला बहुत सारी लगा, तो घर बना सकता हूँ और गाड़ी। कार्यक्रम में नगर निगम के सभापति श्याम सुंदर सोनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रतियोगिता में प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के अलग अलग मॉडलों का प्रदर्शन हुआ। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में शराबी युवकों ने दंपत्ति पर किया हमला। बालकोनगर थाना क्षेत्र के लालघाट बस्ती में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट की घटना सामने आई है। शराब के नशे में धुत दो युवक पड़ोस में ही रहने वाले दंपत्ति पर हमला बोल दिए। इस दौरान उन्होंने ट्राईसाइकिल में बैठे निशक्त युवक को भी नहीं बख्शा। मारपीट की घटना के दौरान पड़ोसी भी मौके पर पहुंचे और विवाद को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन दोनों शराबी युवक दंपत्ति पर बार बार गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की करते नजर आए। मारपीट होते देख राहगीरों की भीड़ लग गई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरोना संकट अभी टला नहीं है, तीसरी लहर की आशंका कायम है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा है। अभियान के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंस मास्क का इस्तेमाल किया जाए, सैनिटाइजर का भी नियमित उपयोग किया जाए। कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर 20 रूपए का फाइन लगाया जा रहा है। लापरवाही से कोरोना का खतरा फिर बढ़ सकता है, ऐसे में जरूरी है लोग खुद जागरूकता का परिचय देते हुए मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जैसा कि सभी को मालूम है कि अभी कोरोना गया नहीं है, अभी भी केसेस निकल रहे हैं और अगर कहीं पे भी लापरवाही बरती गई तो जान भी जा सकती है। इसको देखते हुए हम लोग लगातार कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें एक निश्चित दूरी बनाना, हमेशा हाथ धोते रहना और हमेशा हाथ मास्क पहनना, विशेषकर जो सार्वजनिक जगह है, चिकित्सालय जैसे, वहाँ पे अति बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हम लोग यहाँ पे इस कार्य को बहुत ही मुस्तैदी से कर रहे हैं। हॉस्पिटल में प्रतिदिन काफ़ी लोग इलाज के लिए आते हैं, उनके परिजन भी आते हैं, तो हमारा लक्ष्य रहता है कि सभी मास्क पहने और दूरी बनाने की कोशिश करें। हमारे परिसर में अगर कोई भी बिना मास्क के पाया जाता है तो उसके ऊपर हम लोग 20 रुपए का जुर्माना कर रहे हैं, साथ में उन्हें हम मास्क भी उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उन्हें उनमें एक अवेयरनेस आ जाए। इसी के साथ साथ कोटपा एक्ट होता है जिसमें तंबाकू या तंबाकू से रिलेटेड कोई भी उत्पाद सार्वजनिक जगह पर सेवन किया जाता है, खाते हुए, पीते हुए या थूका जाता है, तो उसके लिए भी 100 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है, जिसके तहत आप हमने कार्रवाई की और यह कार्रवाई प्रतिदिन होती है ताकि परिसर स्वच्छ रहे और कोविड की बीमारी इस परिसर से फैले ना, इसे हम सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चल रहे एक वाहन चालक की जमकर पिटाई हो गई। एक महिला पुलिसकर्मी को मुख्य मार्ग में टक्कर मारने के बाद चालक वहां से भाग निकला था। उसे रुकने को कहा गया था लेकिन उसने भाग निकलने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन महिला पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया और डायल 112 को जानकारी देने के साथ घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। पुरानी बस्ती क्षेत्र में वाहन चालक को दबोचने के साथ मौके पर उसकी जमकर खबर ली। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड एब्रोड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट,
Bijapur tourist places in other country and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international. Visa services, passport services. Contact us Anup Chukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर, यहां कान के छिद्र को नायब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा मसाज, लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिम्पल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378777। MXT is the new MPEG 4-box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4-box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। अब SSTAR नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट, नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में। दर्री जमनीपाली, जेलगांव, CSBHT, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 7869222258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े-मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15-25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT is the new MPEG 4-box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4-box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अबालको केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बालको नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818184018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4-box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4-box
में साथ में देखिए लोकल न्यूज छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के दर्री क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर चला चाकू, समझाइश देने आया युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। दर्री थाना क्षेत्र में शराब के नशे में मदहोश होकर आपस में विवाद कर रहे दो भाई को समझाइश देने आए एक युवक को काफी महंगा पड़ा। दोनों भाई किसी बात को लेकर आपस में विवाद कर रहे थे। इस दौरान दोनों भाइयों के बीच युवक पहुंचा और उन्हें झगड़ा समाप्त करने की नसीहत दी। इसी बात को लेकर आक्रोशित हो गया और उसने विकास सिंह पर चाकू चलाकर घायल कर दिया। घायल को गंभीर हालत में NTPC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर दर्री पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। दो भाई और जयपुरी में वेद प्रकाश दुबे और भुवनेश्वर दुबे आपस में दोनों सभी भाई हैं और इस बात को लेकर दोनों का लड़ाई हो रहा था। उसी समय बीच बचाव करने के लिए विकास सिंह आए, जिसको तुम हमारे बीच में क्यों पड़ते हो बोल के आरोपी वेद प्रकाश ने सब्जी वाले चाकू से उसके ऊपर हमला किया है, जिसको 5 टाका लगा हुआ है। अपराध का निवृत्त किया गया है और जल्द ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा और माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। अभी तो कुशल है ना वो नहीं है, बट डॉक्टर साहब द्वारा जैसी रिपोर्ट देंगे वैसी धारणा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।